हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को प्यार करते हैं या आपको प्यार करते हैं। आज रीडिंग में देखेंगे। सो गाइस, रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग जो है टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। सो जितना रेजोनेट करेगा आप लोगों ने उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ओके गाइस, सो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टा का जो मेरा आईडी है वो है tarot.313। सो गाइज, अगर आपको पता है आपके और आपके पर्सन के इस कनेक्शन में थर्ड पर्सन है, किसी की एंट्रेस है या किसी का इन्फ्लुएंस है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी वो होगी आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए। और आप इस रीडिंग को देख सकते हो। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, या ये पर्सन किससे इंगेज्ड है, या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, या पर्सन मैरिड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ओके, सो गाइस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं सेपरेटली सेपरेटली कार्ड्स जो है आप लोगों के लिए निकालूंगी। सबसे पहले मैं निकालूंगी कि आप लोगों के लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपको प्यार करते हैं या नहीं करते। देन निकालूंगी मैं थर्ड पार्टी के लिए। ओके, सो डिवाइन गाइड करें, जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, जो व्यूअर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो उनके पार्टनर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या उनको प्यार करते हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको प्यार करते हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको प्यार करते हैं। वन कार्ड, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। फाइव कार्ड हैं आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है, आपके पर्सन के आपसे प्यार करते हैं। ये फाइव कार्ड आ गए हैं आप लोगों के लिए। अब मैं निकालूंगी थर्ड पार्टी, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी हैं, क्या वो उनके पार्टनर थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है पास्ट की मेमोरीज याद करते हैं, जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया है इस पर्सन ने, ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन याद करता है आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम। ओके, पास्ट की मेमोरीज याद करता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में होते हुए भी। ओके, सो अब मैं देखूंगी कि पहले देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या थर्ड पार्टी से आपके पर्सन प्यार करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। देन फोर ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। टू ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। लास्ट वन इज किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, सो गाइस यहाँ पे स्टार साइंस कुछ भी हो सकता है आपके पर्सन का, बट क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि आपके पर्सन जो है इस टाइम काफी ज्यादा सैड है। थर्ड पार्टी में होते हुए भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है। आप लोगों के सामने कार्ड है फोर ऑफ कप्स का, कि इस पर्सन, ये पर्सन इस टाइम थर्ड पार्टी में टोटली अनहैप्पीनेस फील कर रहा है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है अकेलापन फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी में। या तो इस पर्सन की प्रपोजल आप लोगों ने रिजेक्ट किया था, ठीक है, इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया था पास्ट में, तो आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को इस टाइम डिवाइन जो दे रही है, ये पर्सन का फोकस उसकी तरफ नहीं है। ये पर्सन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ अनहैप्पी है। ये पर्सन उस रिलेशनशिप पे वर्क भी कर रहा है, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है। आपके पर्सन, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप की बजाय ये पर्सन फाइनेंसिस पे ज़्यादा काम कर रहा है अपने, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बता रहा है ये पर्सन अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने पर लगा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन की लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आए, कुछ सेलिब्रेशन आए, बट वो नहीं है, बिकॉज टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे है। आपके पर्सन दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, ठीक है। इस पर्सन में मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर्सन को, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट है इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन मेंटल डिसऑर्डर से शायद इस टाइम सफ़र कर रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं थर्ड पार्टी के लिए मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आपके पर्सन मुझे थर्ड पार्टी से प्यार करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज ये पर्सन के पास जो फीलिंग्स हैं ये पर्सन ने काफ़ी छुपाई हुई हैं। ये थर्ड पार्टी को आपके पर्सन एक्सपोज नहीं करते, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, बिकॉज ये पर्सन आपसे प्यार करता है। ओके, बिकॉज पास्ट की मेमोरीज में है। सेलिब्रेशन ये पर्सन चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है आपके साथ, बट कन्फ्यूज है। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी में भी कन्फ्यूज है और आप में भी कन्फ्यूज है। हो सकता है इस पर्सन को डिसीजन लेने में समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन चूज़ किस चीज़ को करे। इस टाइम ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है। इस पर्सन से एक डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके,
बट ये पर्सन सेलिब्रेशन चाहता है. ऑब्वियसली यहाँ से मुझे बताता है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो होता है पास्ट का पर्सन जो है आपका, समवन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट. ठीक है, ये पर्सन जो है अपनी पास्ट की मेमोरीज को बहुत याद कर रहा है थर्ड पार्टी में होते हुए भी. ठीक है, बट फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपने आप को ये पर्सन थर्ड पार्टी के लिए. मुझे ये पर्सन प्यार करता कहीं से नज़र नहीं आ रहा. ओके, सो बिकॉज कन्फ्यूज है ये पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में. ओके, जो फीलिंग्स हैं भी इस पर्सन की, किंग ऑफ कप्स होता है काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी लव इस पर्सन के पास होता है, बट इस पर्सन के एक्सपीरियंस पास्ट के अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को इस टाइम क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है. ठीक है, बिकॉज पास्ट में ऑब्वियसली ये पर्सन आपके साथ टाइम को जो है मिस कर रहा है, काफ़ी इस टाइम अनहैप्पी है, काफ़ी बोर फील कर रहा है आपके पार्टनर. ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन उस बोर्डम की एनर्जी को ख़त्म करने के लिए टोटली अपनी फाइनेंसिस एंड करियर पे काम कर रहा है. ठीक है, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है. इस पर्सन का थर्ड पार्टी की बजाय मुझे ज़्यादा फोकस एक तो आपकी तरफ लग रहा है, पास्ट की तरफ, और सेकेंडली मुझे यहाँ पर ये पर्सन अपने फाइनेंसिस, अपनी जॉब पर काम करता हुआ काफ़ी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन के पास मनी ज़्यादा आए. ठीक है, ये पर्सन मनी बना रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ताकि ये पर्सन स्टेबल हो अपने लाइफ में. इमोशनली बंद है ये पर्सन. ओके, प्यार मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट मैं अब आप लोगों के लिए देखती हूँ क्या है आप लोगों के लिए. ओके, सो पॉजिटिव रहिए. फर्स्ट कार्ड है 10 of Cups, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो. यहाँ से है द एम्प्रेस, अमेजिंग गाइस, टॉरस एंड लिब्रा. यहाँ से है द हर्मिट, विर्गो. 10 of Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. एंड यहाँ से है द टावर, एरिस. ओके गाइस, सो आप लोगों के पार्टनर के आपसे प्यार करते हैं. डेफिनेटली आपके, आपका ना टावर मोमेंट हुआ है. ठीक है, आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा एकदम सडन से आपकी रिलेशनशिप ख़राब हुई है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज द टावर मोमेंट है आप दोनों की लाइफ में, एकदम से टावर मोमेंट आया है, या ये थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन जो है ख़राब हुई है. बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आई है आप लोगों के इस रिलेशनशिप को लेके. ठीक है, मुझे लगता है कुछ ऐसे भी आप लोग मेरे व्यूवर्स देख रहे हो जो इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड थे. ठीक है, शादी के बाद आप लोगों का सेपरेशन मोड हुआ है आपका इस पर्सन से. ठीक है, या फिर मुझे दूसरा यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि अदरवाइज़ अगर आप लोग इस पर्सन से मैरिड नहीं थे तो डेफिनेटली आपकी शायद शादी तक बात ज़रूर पहुँची होगी. ठीक है, बट अगर शादी तक नहीं भी पहुँची तो डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब कुछ चल रहा था, बट एकदम से ही चीज़ें जो हैं टोटली ख़राब हो गई. टावर मोमेंट एकदम से आया और आपका इस पर्सन का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया. ठीक है, 10 की एनर्जी है, इस पर्सन ने आपको डिसेप्शन किया है, एकदम से इस पर्सन ने आपसे धोखा किया है, आपको चीट किया है. ठीक है, बट आप इतने ज़्यादा इस पर्सन ने आपको बैक स्टैबिंग की है गाइस कि आप लोगों को खुद समझ नहीं आया कि ये आपके साथ क्या हो गया. आप लोग मुझे लगता है इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा रोए धोए भी हो गए. ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सैड भी हुए, काफ़ी हार्ट टेक की एनर्जी में भी गए हो गए डेफिनेटली, बिकॉज आप लोगों की एनर्जी बहुत सैड है. इस पर्सन ने अच्छा नहीं किया आपके साथ. ओके, आपको बैक स्टैबिंग की है, धोखा दिया है, बट डेफिनेटली ये एनर्जी जो है ख़त्म होने वाली है. ओके, बिकॉज आपके पर्सन जो है इस टाइम, आप लोगों के लिए हमने पूछा था कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है इस टाइम अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं. हो सकता है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो. ठीक है, किसी ना किसी चीज़ों को ये पर्सन समझ रहा है, अपनी सोल को समझ रहा है, अपने पास्ट में की हुई गलतियों के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है. इस पर्सन ने डिसेप्शन किया है आपको डेफिनेटली. इस पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप ख़राब किया है, या तो थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ख़राब किया है, लाइक ये पर्सन या तो किसी और में इंटरेस्टेड था, अदरवाइज़ इस पर्सन ने अपनी मदर की बातों में आके या अपने घर वालों की बातों में आके आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब किया और आपको धोखा दिया. ठीक है, चीट किया है इस पर्सन ने आप लोगों को. ओके, काफ़ी ज़्यादा स्नीकी हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली. बट आप लोगों के लिए ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं करता, डेफिनेटली आप लोगों से ये पर्सन बहुत प्यार करता है, बिकॉज वहाँ थर्ड पार्टी में भी आपके बारे में ही आपके पार्टनर्स आप सोच रहे हैं. ठीक है, और आपके लिए ही इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं और आप लोगों में से शादी करना चाहता है. ये पर्सन देख रहा है, इस पर्सन को पता चल रहा है. सैड क्यों है ये पर्सन? बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आप लोग टोटली अपने आप फोकस कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, काफ़ी ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हो. ठीक है, इस पर्सन को इस टाइम ये पर्सन टोटली फील कर रहा है ये पर्सन. ओके, बट ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहता है. 10 of Cups का कार्ड है जो बताता है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है और आपसे शादी करके आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, बिकॉज आपके लिए ही प्यार इस पर्सन के पास है.
ओके गाइस, आप लोगों के सामने ही कार्ड मैंने शफल किए हैं और आप लोगों के सामने ही कार्ड मैंने यहाँ पे पुट किए हैं. ओके सो डेफिनेटली गाइस, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की बहुत फीलिंग्स हैं. या तो आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन के बच्चों की माँ हो, ठीक है, अगर आप लोग फीमेल हो, और डेफिनेटली आप लोगों के इस पर्सन से बच्चे भी हैं, और अदरवाइज हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन आपसे शादी करके आप लोगों को प्रेग्नेंट करना चाहता है. ठीक है, ये पर्सन देखता है आप लोगों के पास काफ़ी फर्टिलिटी है, काफ़ी अबंडेंस है, काफ़ी लग्जीरियस आप लोगों की लाइफ है, और काफ़ी आप लोगों का लाइफस्टाइल जो है काफ़ी रिच और काफ़ी वेल्थी है. ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं और ये पर्सन आपकी तरफ वापस भी आना चाहता है. 10 का नंबर है यहाँ से, जो ये पर्सन काफ़ी सैड है इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है पास्ट, बट डेफिनेटली ये चीज़ एंड होने वाली है बिकॉज 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन. यहाँ से भी 10 की एनर्जी है, यहाँ से भी 10 की एनर्जी है. डेफिनेटली गाइज, आप लोगों के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 नंबर इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन. कंप्लीशन होने वाला है आपका साइकिल जो भी इस पर्सन के साथ सैड फेस हुआ है, और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगी. ये पर्सन की फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए आपके साथ शादी करके फैमिली बनाने की. ओके, प्रोस्पेरिटी चाहता है ये पर्सन आप लोगों के साथ, कि आपकी लाइफ एक अच्छी स्पेंड हो. सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं. ओके, और डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट भी है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा किया है, बिकॉज ये पर्सन अपने आप की सोल सर्चिंग कर रहा है. हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइक अकेला रहना इस पर्सन को ज़्यादा पसंद है. ठीक है, यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइक जितना हो सके अलोन टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है. ओके सो आप लोगों के पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी में रहते हुए भी आप लोगों के बारे में कॉन्स्टेंटली ये पर्सन सोच रहा है, और आप लोगों से अपने थिंकिंग को डाइवर्ट करने के लिए डेफिनेटली ये पर्सन अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है. ओके सो गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग थी. आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग. इफ़ यू गाइज लाइक दिस रीडिंग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है या पसंद आई है. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.